यार कुछ तो मुझे अभी याद आ रहा था, मैं भूल गया गाइस, और ऐसा बोला ना मेरा माइंड ऐसा ब्लैंक हो गया, मुझे वो चीज़ याद ही नहीं आ रही है। अब माइंड पे जोर डालना पड़ेगा। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। और भाई मैं जा रहा हूँ डिम्पी और टुक टुक को लेने स्कूल, क्योंकि उनकी होने वाली है छुट्टी। और भाई आज मेरे साथ है टिंचुक। हाय टिंचुक। हाय, कैसे हो? ठीक हूं। आप कहाँ जा रहे हो? मैं आपके साथ बाजार चलूंगा। बाजार थोड़ी जा रहे हैं, हम स्कूल जा रहे हैं। आ गया स्कूल से। तो गाइस टुक टुक आ गया स्कूल से। छोटे बच्चों की छुट्टी है ना 5 मिनट जल्दी हो जाती है, तो टुक टुक तो आ गया लेकिन डिम्पी नहीं आई है, तो हम डिम्पी का वेट कर रहे हैं। तो बच्चे तो हमारे देखो तिनके चुग रहे भाई, टुक टुक भी चुग रहा है, ये टिंचुक भी चुग रही है। तो गाइस डिम्पी भी आ चुकी है। हाय डिम्पी। हाय फ्रेंड्स, आ जाओ। हाँ लेट हो गई, ये देखो। हाँ डिम्पी लेट हो गई भाई, लेट हो गई थोड़ा, मैं मैम से बात कर रही थी। आजो बेटो, ये देखो बच्चों ने कचरा इकट्ठा किया है। हाँ झाड़ू लगाएंगे मुझे लग रहा है। कैंप फायर करेंगे इससे? हाँ कह रहे हैं हम कैंप फायर करेंगे भाई। तो घर में थोड़ी कैंप फायर करते हैं। अरे शाम को हम बाहर करेंगे। बाहर कहाँ? बाहर यहाँ पे शाम में ग्राउंड है ना, तो आना तो यही पड़ेगा। हाँ यही तो, तो शाम को इकट्ठा कर लेंगे दोबारा। इसको फेंक दो ना अभी, फेंक दो यार, ये तो नहीं फेंक रहा भाई। दोनों बच्चे कचरा लेके बैठे हैं। इसको स्कूल छोड़ देंगे? हाँ छोड़ देते हैं। चलो वहाँ छोड़ का हो इसको, जाओ आ जाओ। पढ़ा मुझे याद कर रही कब से। नहीं जाओ जाओ, नहीं छोड़ का आओ ना एक बार। ला जाओ। नहीं तो फिर क्यों आया आप स्कूल? स्कूल तो वही बच्चे आते हैं जो जाते हैं। ये कचरा इसके नीचे फेंक दिया, आंख में डाल देगी। इधर तो छोड़ो, इसको छोड़ो, आंख में लग जाएगी। तो भाई हम जा रहे हैं वापस। डिम्पी आ चुकी है और आज डिम्पी बहुत लेट आई भाई। हम आ गए थे वैसे ही 15 मिनट जल्दी और डिम्पी उल्टी आई है 10 मिनट लेट। सो गाइज हम आ गए घर पर। घर आ गए हम लोग। हाँ डिम्पी भाई देखो साड़ी में, फिर ये इसका आइडेंटिटी कार्ड। ये मेरा स्कूल यूनिफॉर्म है। हाँ बहुत ही मतलब एकदम पूरे प्रोफेशनल लग रहे हो। हाँ टीचर्स यूनिफॉर्म है पूरा ये। हाँ थैंक यू सर। फाइनली डिम्पी को ड्रेस मिल गई। हाँ। स्कूल की न्यू ड्रेस। हाँ ये तो आज इसका हाउस ड्रेस था। जो रस्सी ना उस पे मैं कह रहा हूं खुद खुद के हमें जलेबी खानी है। अच्छा जलेबी खानी थी? अरे यार ये तो मुझे भी खानी थी यार, मुझे भी कूद कूद के खानी थी, मैंने कभी खाई नहीं यार। मैंने खाई बचपन में है ना, और हमको पता कैसे खिलाई थी, धागा और धागे के ऊपर है ना ऐसे छोटे छोटे धागे और जलेबी लटका दी। जलेबी लटकाने के बाद में नीचे कटोरी में दही रखा हुआ था, फिर उस जलेबी और दही को मिक्स करके खाना, उसमें भी मैं फर्स्ट आई। भाई मुझे भी जलेबी खानी है। कूद कूद के खाए ठीक है। कितनी जलेबी खाई आपने? एक ही खानी है बस, एक ही यार। मैं तो सोच रहा हूँ बहुत सारी जलेबी मिलेगी। बहुत सारी कैसे खा सकते हो? उधर धागे पे बांधी रहती है, ऐसे जंप करके खाना है। अच्छा और हैंड्स के पीछे, और जिसके हाथ खुल गए वो आउट है, ऐसे जंप करना है, ऐसे करके खाना। अच्छा जंप करके जलेबी खाना है। आपने खाई क्या बेटा जलेबी? हाँ और क्या ना हमने रेस भी कर रहे। वाह 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 वाह। और बस 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 बस, ये देखो भाई सरप्राइज है। ये कबीर के लिए और ये मेरे लिए। ये राखी का सरप्राइज है भाई कबीर के लिए। हाँ टुक टुक उसको राखी बांध के फिर गिफ्ट देगा। हाँ चले चलते हम आए थे बस एक ही आइटम लेने मार्केट, वो भी एक कबीर के गिफ्ट लेना था टुक टुक को, और वो ले लिया हमने, और अब हम यहाँ से वापस घर जा रहे भाई। सो गाइज भाई हम आ गए मार्केट से, टुक टुक को लेना था कबीर के लिए सरप्राइज, तो वो लेके आ गए और वापस हम घर पर आ गए भाई। और अभी मैंने डिम्पी लेके आई है शेक, तो मैं शेक पी लेता हूँ। ये टुक टुक का कचरा जो आज इकट्ठा किया था यहीं पड़ा अभी तक। मुझे चाय नहीं पीनी थी, मेरी चाय बनी हुई रखी है पीछे पीछे, यहाँ लिखूं? भाई इसने कबीर के लिए गिफ्ट लिया और उस पे कबीर का बकायदा नाम लिखवाया। अब उसको ये सरप्राइज देगा, राखी बांधेगा और फिर सरप्राइज देगा। अभी मार्केट लेके गया, गिफ्ट लेके आया उसके, और अब राखी बांधेगा, उसको सरप्राइज देगा। काफी पसंद करता है कबीर को। इसके साथ खेला ना मुंबई में, इसलिए हाँ कहता मेरा छोटा भाई है। हाँ रूटा आपका भाई है छोटा? अभी मुझे सब सामान पैक करना, पहले तो 3 दिन के ये सारे कपड़े समेट के रखने। ओह माय गॉड, ये सारे कपड़े टुक टुक का, ये स्कूल यूनिफॉर्म, मुझे आयरन करके रखना है, इसके शूज पॉलिश करके रखने। अच्छा क्योंकि हम कल जाएंगे, परसों वापस आएंगे, शाम हो जाएगी, थक जाऊंगी, वापस आके मैं राखी बांधूंगी, इसलिए नेक्स्ट डे फिर हमको स्कूल जाना है, तो परसों का काम मैं आज ही करके जाऊंगी। ठीक है सारी, ये सारा सामान सेटल करके मुझे सारी पैकिंग करनी है, उसके बाद ही मैं सोऊंगी।
देख लो भाई इतना सारा काम है। एक्चुअली कल है राखी, तो हम जा रहे हैं गांव, इसके लिए आज पैकिंग करनी है और कुछ काम भी करना है। तो भाई डिम्पी तो करेगी पैकिंग और मैं करूंगा अपना कुछ वीडियोस का काम, क्योंकि हमें सुबह जल्दी निकलना है भाई। मजा आएगा ना इधर इधर पूरा। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। क्या करोगे गांव जाके? अच्छा लग रहा है। गांव जाके क्या करोगे? खेलूंगा। इसमें ही रहने देंगे, अपन चलेंगे। हाँ। एक ही चीज को बार बार रिपीट कर रहा है, फिर क्या खेलूंगा, कुछ समझ नहीं आ रहा है। ठीक गाइस, टूटू यही रहेगा, मैं और डिम्पी हम दोनों जाएंगे। तो फिर अच्छे से जवाब दो, ऐसे कौन देता है। तो गाइस हमारी पैकिंग स्टार्ट हो चुकी है भाई, डिम्पी ने बैग निकाल दिया, कपड़े निकाल दिए और डिम्पी कर रही है पैकिंग। तो भाई अब बारी आ गई है हमारी कपड़े डिसाइड करने की। अब डिम्पी मुझे पूछ रही क्या कपड़े लेने हैं। बहुत नई ड्रेस पूरी है। हाँ ले लो। ज्यादा लेके भी क्या करूँ, भर के वापस लाना मेरे को। ले लो भाई, बता दो आप क्या भाई। हमारा टुक टुक तो सो गया और इसके सोने के बाद हम पैकिंग कर रहे हैं भाई। अच्छा हाँ गाइस, पिछली बार हम गांव में गए भाई, ये मेरे ब्रश ही भूल गई। हाँ सबके भूल गई, टुक टुक का भी भूल गई ना, सबके ही भूल गई। हम तीनों के ब्रश ले गए ही नहीं और टूथपेस्ट भी नहीं ले गई, बड़ी मुश्किल हुई भाई। सुबह उठ के पहले कवर लगाना गाड़ी के। गाड़ी के सब सामान यहाँ पड़े। ओ भाई बेस्ट बोर्ड यहाँ पड़ा, देखो आप। ये देखो गाइस सब सामान यहाँ पड़े। ये गाड़ी का डैशबोर्ड पड़ा और ये गाड़ी की मैट्स पड़ी, देखो ये कार की, और ये गाड़ी के सीट कवर। तो भाई सुबह सुबह पहले मुझे ये सारे काम करने, गाड़ी के सीट कवर लगाने हैं, मैट्स रखनी है, प्लस डैशबोर्ड लगाना है, फिर तैयार होना है, मुझे खुद को नहाना धोना है, तो काफी टाइम लगने वाला है। कोशिश करेंगे भाई जल्दी निकले, तो थोड़ा जल्दी जाए अच्छा लगेगा। चाहिए होगा सुबह ले लूंगी यार। हाँ, हाँ। अरे यार एक और चीज थी यार, हाँ वो तो ये गिफ्ट उसका था, मुझे कुछ याद आ रहा था यार। मोटी? अरे मोटी नहीं यार, मैं बाहर बैठा था, मुझे याद आ रहा था यार ये चीज मुझे लेनी है गांव में, ये याद रखना है। खैर मेरी थी बट अभी याद, ये भी पता नहीं, ये याद होता तो मैं अभी याद कर लेता ना फटाफट। अच्छा था नहीं मच्छरदानी तो वहाँ है ना पागल। यार कुछ तो मुझे अभी याद आ रहा था, मैं भूल गया गाइस, और ऐसा भूला ना मेरा माइंड ऐसा ब्लैंक हो गया, मुझे वो चीज़ याद ही नहीं आ रही है। कभी कभी ऐसा होता ना, कोई चीज़ आपको याद थी फिर आप अचानक से भूल जाते हो, फिर आप दिमाग पे जोर डालते हो तो भी याद नहीं आती, वही चीज़ मेरे साथ हो रही भाई अभी। तो गाइस देखो डिम्पी कर रही है पैकिंग, हो ही गई है, बैग जमा रही है भाई, और घड़ी में आप टाइम देखो 11:30 होने वाला है, तो काफ़ी लेट हो गए। और अब इस व्लॉग को यहीं ख़त्म करेंगे, मिलते हैं कल नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।